कैबिनेट बैठक आज, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मिल सकती है मंजूरी, दर्जन भर दीगर मामलों पर भी होगा विचार। कैबिनेट में बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के करीब एक दर्जन से अधिक मामलों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट में बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के करीब एक दर्जन से अधिक मामलों पर चर्चा होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक माध्यमिक उच्च और प्रावधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों के चयन किया जा रहा है। उच्च और माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। व्यवहारिक सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित होगा।